हेलो एवरीवन तो कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में आज की जो वैकेंसी है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूपी में वैकेंसी निकली हुई है और आपकी लगभग पाँच या पोस्ट हैं वो भी केपल एन ए एन एम की हैं जो कि यूपी एनएचएम एन के थ्रू ये वैकेंसी निकली हुई हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो एन के थ्रू वैकेंसी निकली है ए की पाँच चार प्लस वैकेंसी हैं सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो इसकी एलिजिबिलिटी को पूरा करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे और जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करने के बाद आपको लेटेस्ट जॉब वाले कॉलम में जाना है इसी में आपको तीसरे नंबर पे देखने को मिल जाएगा यू पी एन जॉब ऑनलाइन फॉर्म इसी पे आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और नई विंडो ओपन होगी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसमें आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा ये जो वैकेंसी हैं आपकी पंद्रह नौ यानी कि आज से पंद्रह आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस डेट को पंद्रह सितंबर है तो आज से ये शुरू हो जाएंगे और तीस सितंबर तक ये फॉर्म चलेंगे जो इसकी पेमेंट की लास्ट डेट है वो तीस रखी गई हालांकि पेमेंट तो नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो सभी के लिए फ्री रखा गया है आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना है मैक्सिमम एज चालीस साल रखी गई है और एडमिट कार्ड की अभी इसमें कोई भी सूचना नहीं दी गई है कब आपका एग्ज़ाम होगा वो भी नहीं दिया गया है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यूपी के अकॉर्डिंग मिलेगा अगर आप यूपी कैंडिडेट हैं तो यूपी में जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है एएनएम की पोस्ट है केवल पाँच हज़ार पोस्ट है इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए ए का और साथ में आपको रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए अब उन लोगों के लिए जो लोग ए कर रहे हैं फाइनल ईयर में हैं तो आप इसमें फॉर्म में अप्लाई कर लीजिएगा अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रजिस्ट्रेशन मांगा गया है काउंसिल में तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर नहीं मांगा है तो आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा जबकि जब जब तक आपका हो सकता है कंप्लीट हो तब तक इसका फॉर्म के एग्ज़ाम भी ना हो पाएँ तो आप अप्लाई कर लीजिएगा अगर तब तक आपका पूरा हो जाता तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं वैसे भी अब आप, आप बाहर तो हो ही रहे हैं अब इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको दिखा देता हूँ जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा ये खुल के आ गया स्टेट हेल्थ सोसाइटी नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के थ्रू ये वैकेंसी निकली है पाँच हज़ार पोस्ट हैं जैसे कि अब आप मैंने आपको बताया और इसमें सब कुछ दिया क्या सैलरी रहने वाली है तो ये जो नोटिफिकेशन है वो दस को रिलीज़ हुआ है आज पंद्रह को मैं आपको बता रहा हूँ पाँच हज़ार वैकेंसी हैं और दो साल का मिनिमम सर्टिफिकेट चाहिए होगा एएनएम का और आपकी एज चालीस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पाँच हज़ार वैकेंसी हैं पोजीशन कोड जो है वो एन एम एच है सैलरी जो है वो आपकी बारह 12 है और सभी पचहत्तर डिस्ट्रिक्ट में है ये वैकेंसी निकली हुई है यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी में ये वैकेंसी है किसी में ज़्यादा किसी में कम होगा पाँच जन तो है तो लगभग काफ़ी अच्छी वैकेंसी है तो ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में अच्छी ही वैकेंसी होगी और इसमें जो दिया है वो ये दिया है कि लास्ट डेट जो है वो तीस सेप्टेम्बर है रात के बारह बजे तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे और पंद्रह सेप्टेंबर से यानी आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और साथ में आपको एक बात बता दूँ ये जो भी पोस्ट हैं वो आपकी नॉन ट्रांसफ़रेबल है यानी आपकी ज्वाइनिंग के बाद ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा जहाँ पे आपकी जॉब लगेगी वहीं आपको जॉब करनी पड़ेगी और भी इसमें कुछ पॉइंट दिए गए जैसे कि ये वैकेंसी कभी भी, भी कैंसिल हो सकती हैं वगैरह वगैरह और इसकी जो वेबसाइट है यू पी जी ओ वी डॉट एन आई सी डॉट इन इस पर जाके आप डिटेल में इसका नोटिफिकेशन और जो भी है वो देख सकते हैं बाकी अगर कोई डाउट होट तो कमेंट बॉक्स खुला है उसमें आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्टपीडियं तो क्ली जय हिंद जय भारत अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा